अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़ातिन हज़रात, मेजर रिटायर्ड मुसर्रत अब्दुल खालिक आपसे मुखातिब है। मैं एक वी लॉग्स 945 के प्लेटफॉर्म से आपको आज एक कैंट बोर्ड मलिर कैंट बोर्ड की जनरल सीट पर एक इलेक्शंस हुए हैं जो कि फेज़ वन में DHOH फेज़ वन में हुए हैं, और वो जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल रजा साहब थे वो मेंबर थे, उनकी डेथ हो गई तो उनकी जगह एक ज़िमनी इंतखाब हुआ है कैंट बोर्ड मलिर का। तो वो फिर उसकी कवरेज के लिए मैं आपको लेके आया हूँ, और अब आप रुदात देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाह खैरन, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलिए। अल्लाह आपका हामी नासिल हो। मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। फ्री होते हैं इस मुल्क में तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा टर्न आउट रहेगा। यहाँ भी कहते हैं, मैंने लोगों से पता किया तो ये कह रहे हैं कि ये देखे, ये हमारे मेजर साहब भी हैं यहाँ पे, और ये जो अजीब खान साहब हैं, तो अजीब खान साहब ये भी एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हैं, ये भी इनके देखें। ये कैन बाजार का इलाका है, मतलब नहीं कैन बाजार नहीं, फेज़ वन का कमर्शियल एरिया, और इसमें लोग जो बने हुए हैं बहुत बेहतर बने हुए हैं, और काफ़ी इसमें जमीन नज़र आ रही, गाड़ियाँ नज़र आ रही, लोग ही लोग थे। अभी बस ख़त्म होने वाला, थोड़ा सा टाइम रह गया तो काफ़ी लोग आए थे और चले भी गए, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। ये तीन चार लोग बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मैं आपकी एक वीडियो बना रहा हूँ इसकी जी, मेरा वीलॉग है, मैं वीलॉग्स 945 के नाम से जी। तो आपने आप यही फेज़ वन में रहते हैं? मैं फेज़ वन में तो नहीं रहता। अच्छा, मेरे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, भाई वगैरह हैं। अच्छा, तो वो फिर उन्होंने वोट डाले जी। आपका तो वोट इधर नहीं होगा? मेरा वोट यहाँ नहीं। आप कैंट में ही रहते हैं? मैं कैंट में नहीं, मैं अच्छा, उस्मान में। हाँ, तो वहाँ तो खैर यहाँ पर आए थे वो लोग, वोट डाले। आपके ख्याल में कैसा रहा वोटिंग यहाँ पर? वोटिंग में ये है कि बैनर वगैरह तो सबों के बराबरी लगे हुए हैं, अब ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। मेरा मुराद हाजिरी से था, कैसी हाजिरी रही है? तकरीबन ठीक थी। हाँ, आप काफी देर से आए होंगे तो यहाँ पर तो हाजिरी अच्छी रही है। तो ये तो अभी लोकल मतलब एक कैंट बोर्ड का इलेक्शन है, कैंटोनमेंट बोर्ड का है, तो लोग शाम को ही निकलते हैं। हाँ, और जनरल इलेक्शन में तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस लोगों में हाँ शोर जाग गया। आपके ख्याल में शोर जाग गया? बिल्कुल ऐसे ही है जी। हाँ बिल्कुल, तो आइंदा भी इंशाल्लाह ये देखेंगे। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आपसे बात करने का। अच्छा, बहुत ये देखें, बस बैनर ही बैनर हैं, हर तरफ लोग ही लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, काफ़ी अच्छा टर्न आउट है और काफ़ी लोग रिस्पॉन्सिव हैं। अब लेट्स सी के व्हाट हैपेंस, ये जो इसके बाद ना पता चलेगा कि क्या हो रहा है और रिजल्ट पता चलेगा क्या है, क्या जीता। चले फिर, अब आपसे इजाज़त लेते हैं, और इजाज़त लेते हुए आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जज़ाकअल्लाह खैरन, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह जी। ख्वातीन तो देखें, ये एक 201 में, 201 में एक बूथ है, ये इस बूथ की मैं आपको वीडियो बना दिखा रहा हूँ। तो आप मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आज कैसी रही है, टर्न आउट कैसी रही है? टर्न आउट आज पहले की निस्बत बहुत अच्छा रहा है फेस वन का। हाँ, हमारी उम्मीद और तवक्कात से ज्यादा रहा है माशाल्लाह, और इसका यकीनन सारी पार्टियों को फायदा होगा, और ये सारा क्रेडिट तीनों पार्टियों को देना चाहिए कि जिन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया और लोग घर से बाहर निकले वोट डालने। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी शऊर जो है वो जाग रहा है? जी जी, शऊर जाग रहा है, और इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में भी भरपूर हाजिरी होगी, भरपूर हाजिरी होगी। मदर इलेक्शन में टर्न आउट का भी बहुत ज्यादा होगा फरवरी में इंशाल्लाह। मैम आप सेटिस्फाइड हैं बेटा? आप सेटिस्फाइड हैं? आपके एक्शन से? जी जी सर, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। टर्न आउट वगैरह से भी? जी जी सर, बिल्कुल सेटिस्फाइड है बस। जी, और बस कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस अल्लाह ताला के जो बेहतर लगे। हाँ, जो बेहतर करे। जी आप सर कैसे हैं? आप खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से। जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा चल रहा है आज का, लेकिन बस फेज वन से जो वोटर है ये निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो मैं सबको यही कहूँगा रेजिडेंस को कि अगर कुछ चेंज चाहते हैं तो आके वोट कास्ट करें, और ताकि आप
को कुछ फेज वन में तब्दीलियाँ दिखी हैं। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं राव यूब साहब को सर, उनका इंतखाबी निशान अनार है, तो उनको वोट डालें और उनको कामयाब। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ये मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ और ये देखें, गहमा गहमी तो काफ़ी नज़र आ रही और लोग भी काफ़ी हैं, और ये देखें ये विक्ट्री का निशान बना रहे हैं और ये अपनी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पे पुलिस की वैंस भी खड़ी हैं और ये काफ़ी लोग, ये देखें अच्छा खासा गहमा रहा है। मैं एक बुज़ुर्ग, मेरी तरह के ही बुज़ुर्ग हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने वोट डाला है? जी डाला है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है और वोट डालना चाहिए। तो आपको टर्नआउट कैसा लगा है आज? आजकल आज तो बहुत अच्छा टर्नआउट लगा है, इतना अच्छा। तो नॉर्मल इलेक्शन में भी नहीं होते। अच्छा, ऐसा है कैंट बोर्ड, हालांकि ये कैंट बोर्ड का है इलेक्शन है, कर्नल रजा जो इंतकाल कर गए थे उनकी जगह इलेक्शन। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, जजाक अल्लाह। ये देखें ये बैठे हैं फारिग, वोट वगैरह देके बैठे हुए हैं। हुजूर आला, आप बात करना चाहेंगे मुझसे? थैंक यू। मैं जो मुसर्रत हूँ, मैं रिटायर्ड, मैं इधर ही रहता हूँ। आप मेरा एक वी लॉग है, उसके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने वोट डाला? नहीं, मेरा यहाँ वोट नहीं है इस एरिया में। आप अच्छा वर्किंग है आपकी? किस चीज़ में? मैं कहाँ? अच्छा ठीक है, सही है, वोट आपका वोट नहीं है यहाँ पर, ऐसी बात है। चल, आप लोग तो नहीं बोलना चाहेंगे कुछ? नहीं, मुझे पता। जी जी मूवी बना रहा हूँ, आप भी पुलिस से हैं माशाल्लाह? जी जी जी, मैं मेजर मुसर्रत हूँ, रिटायर्ड हूँ और वी लॉग है मेरा ना, और फेज वन में ही रहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। मगर मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता मैं वर्दी वाला आदमी खुद था कभी, तो इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मगर चले ऐसी आपकी जो जबरदस्त भाई, सर आप कैसा जा रहा है? बहुत जबरदस्त सर, बहुत माशाल्लाह। तो मैं जनाब फ्लाइट लेफ्टिनेंट राव अयूब हूँ और मैं कैंडिडेट हूँ और माशाल्लाह सब चीजें बेहतर चल रही हैं। अच्छा, एवरीथिंग इज फाइन अंडर कंट्रोल, टर्न आउट जो है अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा, वी वर जस्ट थिंकिंग इट शुड नॉट बी मोर देन 20% और 50%, इट हैज क्रॉस इवन 40%। माशाल्लाह माशाल्लाह, वी आर वेरी क्लोज टू 50% नाउ, दैट मींस वी विल हैव मैक्सिमम ऑफ अटेंडेंस। आई थिंक दिस टर्नआउट इज बेटर देन द रेगुलर इलेक्शंस, बेटर। आई हैव बीन कंटेस्टिंग फॉर द लास्ट टू इलेक्शंस, आई नो कर्नल रजा वाज फ्रॉम माय यूनिट, यस जबरदस्त, ही वाज माय यंगस्टर, वो हमारा साथी थे, अलाउ उनको तरीके रहमत करे, बस वो चले गए। हां, लग रहा है हर एक ने जाना है, हमने भी जाना है। हमें कब, मुझे कप्तान साहब जो है ना नेवी वाले सुबह से बुला रहे थे, आ जाओ। जब मैं आया हूँ तो मेरा वोट ही इधर नहीं। मगर मैं एक आपको एडवाइस करूँगा कि आपके जो पहुँचे थे मेरे पास कागजात, उसमें आइंदा ऐसा कीजिएगा कि उसमें आप बूथ वगैरह लिख दीजिए, जगह लिख दीजिए। अब मैं यहाँ आया हूँ तो कहते हैं आपका वोट यहाँ पर है ही नहीं, नहीं बस वो थोड़ी गड़बड़ हो गई, इनकन्वीनियंस हुआ। जजाक अल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, ये यहाँ पर ये जो एहलकार हैं गवर्नमेंट के, फौजी एहलकार हैं, फौजी तो नहीं है, पुलिस वाले हैं माशाल्लाह। और आपने बाबा वोट डाला है कैंटोनमेंट बोर्ड का? आपका वोट नहीं है? नहीं है, अच्छा। आप लोग वोट डालने आए, वोट डालने या कैंट बोर्ड के मुलाज़म हैं? नहीं, वोट डाल दिया। डालेंगे अभी, डालेंगे, टाइम नहीं हुआ है। अच्छा देखें ख्वातीन हज़रात, ये देखें काफ़ी माशाल्लाह टर्नआउट है और ये काफ़ी लोग हैं यहाँ पर मेन अंदर वोट डाल रहे हैं, और यहाँ पर ये जो है ना, ये देखें काफ़ी रश है और काफ़ी टर्नआउट है। कुछ लोगों के मुताबिक ये 50% भी है और कुछ लोगों के मुताबिक ये 50 से भी ऊपर जा सकता है, 40% तो हर हाल में। जज़ाकअल्लाह खैरन, चले मिलते हैं अभी, फिर आपको और सीन दिखाते हैं, चले अल्लाह। जी ख्वातीनों हजरात, तो आपने अभी मैक वी लॉक्स 945 का की एक कैंटोनमेंट बोर्ड मलिर कैंट की एक वीडियो आपको दिखाई, जो कि एक ज़मीनी इंतखाब था यहाँ के लोकल कैंट बोर्ड का। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आए होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले फेज़ वन में कैसा आपका इलेक्शन हुए। और आखिर मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि मेरे वी लॉग्स को, जो कि फैमिली वी लॉग है, तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। चले इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह ताला आपका हाफिज़ और नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।